छोड़ने का है परमिट हो रहा है। नहीं मैं भी ड्यूटी करके जा रही हूँ, बोल रहे हो तो भी मैथ में नहीं, मैं भी करके जा रही हूँ तो फिर परमिट से आप सबको मिल जाते हैं, नहीं मिल पाते थे। आवाज दो बोलो आवाज दो मैम सानिटेशन पीसीपी वालम सेक्यूरिटी वालम अंदर उड़ा जॉब चेस्ट गवर्नमेंट मा तरफ कुछ आलोचाली मैं कोरत जीता सरगा रावटम केसीआर सार की विनपमेंटे सैलरीस एक्वी को मैं यूनियन मेंबर्स अंदर सर सैलरीस इवे दयचे मम्मी सैलरी एक्वी अट्ना मेम रोजू इक पे आईना मैडम वालू पट्टा शाली चाल तक इतना सूपरवैजर चपते मैडम वाल तो मीडिया वाल तो अंदमें एवर पट्टी मे मीडिया थ्रू चुनाव सर मेर दयचे मा अंदर को सैलरी पाल सर मैं तक सैलरी 8400 इतना इंका इवी मंथली सर इवे दयचे मंथली मंथली सैलरी इव्वाल को वीलु सैलरी सर डेट की गुड़ इव्वे दयचे मैं विनपा अमल चेयर को सर दयचे मैं यूनियन तरफ नीचे मैं मारपल स्वीक विनपमी हमारी एआईटीसी की तरफ से स्ट्राइक चल रहा है सैलरी के वास्ते। एआईटीसी वालों से बात करें दोनों बोरे जियो 10 साल पहले पास हुआ अभी तक जियो गवर्नमेंट ये पहले ये नहीं करी देखा गया तो असल जियो 5 साल में एक बार ये करने का है 5 साल में एक बार 40% तनख्वाह बढ़ती है हमारी 5 साल देखा 10 साल हो गया 10 साल में अब तक 80% तनख्वाह है हमारी 80% के हिसाब से देखा गया तो 25,000 तनख्वाह हो रही। हम 25,000 जियो बोल के भी नहीं बोल रहे, हमारे को 21,000 रुपये डिमांड है हमारी, हमारे को 21,000 रुपये सैलरी होना है बस। केसीआर हुकूमत से हम यही चाह रहे कि हमारी तनख्वाह हमारे को दे देना टाइम पे, और जो हमारा जियो है वो जियो पर एमएल करके दे दिए तो हो जाता हमारे। ये डेली एक घंटा चल रहा हमारा सर 15 तारीख से, डेली सुबह में घंटा कर रहे हैं हमारा 15 तारीख से आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे यूनियन वाले होते डी एम ई सर के बात करने गए, वो डी एम ई सर से बात करके मंडे के दिन बोलते क्या है तो बोल के बोले। कितने वर्कर्स की सैलरी रुकी है? ये सैलरी तो हमारी 1 महीने की रुकी हुई है, वो तो देते बोले कंडक्टर, कंडक्टर से शिकायत कुछ भी नहीं है हमारे को। ये जो भी है हमारे गवर्नमेंट से आने का है, केसीआर साहब से गुजारिश है कि हमारे को हमारा जीवन हमारे को देकर सैलरी बढ़ा दिए तो बहुत बहुत ये हो जाता है हमारा।